Hi guys, welcome to my YouTube channel. So as you have seen by my past clips during my 30 days challenge, कि मैं वीक में एक बार कोल्ड प्लंज करती थी, कोल्ड प्लंज, आइस बाथ, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. सो आई थॉट व्हाई डोंट आई व्लॉग माय एक्सपीरियंस जो मेरे साथ टॉर्चर हर हफ्ते होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, इट नेवर गेट ईजी. आई विल टेल यू, द फर्स्ट टाइम आई डिड इट, I was able to, my best record after third attempt, in the third attempt was, पहले तो मैंने अपने पैर डाले और मैं पैनिक करके बाहर आ गई. इट्स लाइक इट्स नॉट पॉसिबल, कौन करता है ये. देन मैंने अपनी हाफ बॉडी डाली एंड फॉर लाइक 30 सेकेंड एंड देन मैं वापस आ गई. देन इन द थर्ड अटेम्प्ट मैंने सॉर्ट ऑफ अपनी पूरी बॉडी डाली एक्सेप्ट माई शोल्डर्स. उसमें आई थिंक आई सैट इन देयर फॉर अ मिनट, 1 मिनट 10 सेकेंड्स, कुछ ऐसा ही था. यू कैन सी द क्लिप. दैट वॉज माई बेस्ट थर्ड अटेम्प्ट एंड ये कुछ इस तरह था. सो द मिस्टेक दैट वी मेड वॉज, हमने फर्स्ट टाइम में ही बहुत ठंडा पानी कर लिया था. तो द सेकेंड टाइम मैं 10 मिनट बैठ गई थी, पानी इतना ठंडा नहीं था, द टेम्परेचर वॉज लाइक गंगा वाटर वाला, तो मैं बैठ गई उसमें. देन द थर्ड टाइम जब मैंने आइस बाथ लिया, द वाटर वॉज वेरी कोल्ड. ओके, आई सैट इन देयर फॉर 30 मिनट्स, मैं बाहर निकल गई. फिर उसके बाद आई वेंट इन देयर, द वाटर वॉज वेरी कोल्ड. मेंटली मेरे दिमाग में था एक मिनट करना है, फिर वापस निकलना है, फिर वापस जाना है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है. इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, आई एम अ बिगनर, थर्ड टाइम कर रही हूँ. आई वेंट इन देयर एंड देन आई रियलाइज्ड दैट इट्स अ मेंटल गेम. सो आई स्टार्टेड टू कन्विंस माई माइंड, नहीं इट्स फाइन. देन आई गॉट कम्फर्टेबल इन दैट पोजिशन एंड आई सैट इन देयर फॉर गुड 8 टू 9 मिनट्स. सो देन इट वॉज लाइक, फिर नेक्स्ट टाइम में आई सैट इन देयर फॉर 11 मिनट्स. देन आई वॉज लाइक ओके, इट्स अ माइंड गेम, अपने दिमाग को बहलाना है, कीप अ डिस्ट्रैक्शन. ओके, इफ़ यू आर डूइंग इट अलोन शायद ना पॉसिबल ना हो, अलोन एज इन यू नो, यूजली माई मॉम इज देयर विद मी, सो शी इज़ लाइक टॉकिंग टू मी, कुछ भी बात, ठीक है. इट्स completely ice cold water. वेट करती हूँ कि बर्फ ऑलमोस्ट कुछ हद तक मेल्ट हो जाए ताकि पानी ठंडा हो जाए. एंड दिस इज द आइस थेरेपी टब दैट आई यूज. इसमें पानी बहुत देर तक ठंडा रहता है, तो इवन दो गर्मी है बट पानी इसमें ठंडा रहेगा. Breathing. Puri. Breathing. Breathe. अच्छी नहीं दिख रही तू. Yes. चल 30 सेकेंड और, ठीक है. हाँ, अब 1 मिनट तो इसमें आ रहा है, 1 मिनट 11 सेकंड. अब ये नहीं पता इसने कब चालू किया था. यस यस यस, कोई बात नहीं. यस, गुड गर्ल, ब्रेव गर्ल. ब्रीदिंग करती रहना, कपाल भाती कर. इसने मेरे को बहुत बेनिफिट दिया था. बहुत गुड, इसके आफ्टर इफेक्ट देख.
मतलब अब मान रही हूँ मुश्किल है, लेकिन हुआ है कुछ भी अरेबल जैसे पहले होता है। ठीक है, शोल्डर डिप कर, शोल्डर बाहर है। हाँ, यूजुअली मैं एक 30 सेकंड के लिए डिप करती थी, फिर मैं बाहर निकलती थी, फिर वापस। पर इस बार मैंने सोचा था कि मैं एक सिंगल बारी में बैठ जाऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग के 30-40 सेकंड्स तो बहुत मुश्किल होते हैं। अब लेकिन ब्रीदिंग से अपना फोकस, जब आप ब्रीदिंग पे डाइवर्ट कर लेते हो ना, तो पानी इतना ठंडा फील नहीं होता। अब पता कैसा होने लगा फील। अब जैसे नेक अभी नीचे गई है, पहले नेक अंदर नहीं थी, तो अब नेक बहुत ठंडी लग रही है। जब मुश्किल लगने लगता है ना, तो सारा फोकस ब्रीदिंग पे कर लो। इनिशियल 2 मिनट्स आर डिफिकल्ट ना, 2 to 3 मिनट्स। नेक अच्छा, मेरा टाइमर वहाँ चल रहा है। ठीक ठीक ऐसे ही रखना कैमरा। ता लाल तो नहीं है? नहीं है, मम्मा अभी होगा। बैक दिखा। आइस बाथ डन। सो दिस इज माय वीकली रूटीन। This is my weekly routine, and if you need motivation, I am 21 years old, and now my mom is going to do ice bath, and she is 43 पहले, so now she is going to do ice bath, so that's your motivation. तो मैं उनकी भी क्लिप डालूँगी, though I have a class, so I have to rush, but this is my weekly routine, and ये मेरा 5th time है. This was my 5th time, and I have like my stamina of staying in cold water has changed a lot. मेरे से 1 मिनट भी नहीं हुआ था पहले, and now I almost sat in there for 20 minutes, which is wow. ज़्यादा ठंडा है ही नहीं सुना। हाँ चलो, मैं ठंडा है ही नहीं। मम्मा पूरा चले जाओ, लंबी सांस, इतनी तेज सांस लो कि सारा ध्यान सांस में लेने में जाए। वो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, सॉरी, आई जस्ट स्टार्टेड, बट हो गए हैं 20 सेकेंड्स। तो ये कपाल भाती नहीं होती, जो हम योगा में इंजन दौड़ करते हैं वैसी होती है, भस्त्रिका टाइप, फोर्सफुल इनहेल एक्सहेल। यस, मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ये करने के बाद थोड़ी देर सनलाइट या धूप में बैठे, क्योंकि अभी मैं अंदर गई थी एंड पूरा एयर कंडीशनर ऑन था, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो डायरेक्टली अंदर मत जाइए। सॉरी, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई द क्वांटिटी ऑफ आइस व्हेन आई फॉल। मैं योगा कर रही थी, तो जब मैं आई तो मेरे को अपना आइस बाथ रेडी मिला। यूजुअली मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मैं पुरानी कोई वीडियो बट रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि हमने कितनी बर्फ डाली थी। फेस भी डिप कर सकते हैं, मैंने भी डिप किया था फेस। मैं थोड़ा धूप में रनिंग कर रही हूँ, सो दैट शरीर में गर्मी, क्योंकि अभी अगर मैं एक जगह पे बैठ रही हूँ तो मेरी बॉडी शिवर कर रही है एंड मैं बीमार हो सकती हूँ। आई एम रनिंग।
यूजुअली हम हर बार पानी फिल करते हैं उसके ऊपर आइस डालते हैं, बट इस बार हमने पहले आइस डाली थी उसके बाद पानी डाला था, सो दैट हमारा पानी एकदम आइस कोल्ड चिल्ड हो. यूजुअली जब बर्फ पड़ती है तो पानी बाद में ठंडा होता है. गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. सो आई डोंट नो व्हाई टुडे आई एम वेयरिंग अ जैकेट एंड आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड. सो इफ यू आर डूइंग आइस बाथ, सो आफ्टर केयर इज रियली इम्पॉर्टेंट. ओके, ट्राई टू सिट इन सन फॉर यू नो लाइक हाफ एन आवर and wear some full covered clothes so that you don't get sick. Drink something warm, because if you directly go to a room which has air conditioner on, or if you're going to have something that is really cold, you might get sick. So take care about that. So that's it. I hope you liked this video and it was informative and it gave you some motivation to try cold plunge, etc. If you like the video, do like, share and subscribe.